हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का एग्रीकल्चर मैथ का फुल टेस्ट पेपर। ठीक है, ये अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस है, यानी 30% कट होने के बाद जो टॉपिक बचे हैं उस टॉपिक का ही पेपर है। ये मैंने सेट किया है तुम्हारे लिए पेपर। तो इस पेपर में वैसे टाइमिंग इसके पास में 3 घंटा 15 मिनट है और इसमें पूर्णांक 50 है। तो जैसा पैटर्न है, जो पहला क्वेश्चन है इसमें, इसके आपके हैं 6 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट हैं एक नंबर के, और उसके बाद 2 3 4 5 5 तक एक नंबर के हैं, उसके बाद फिर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, फिर 4 के और 6 के। टोटल ये 50 मार्क्स का पेपर है। ओके, तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, सभी खंड कीजिए। पहला खंड है इसका, सरल कीजिए पहला पार्ट, 4 की पावर -4 और 3 की पावर 6 और 6 की पावर 4 और 2 की पावर 2। ये घातांक में से एक नंबर का कैसे करेंगे इसको? 4 की पावर -4 है, इसको आप 2 की पावर में कर लेते हैं, तो 2 की पावर 2 होता है, तो पावर हो जाएगी यहां पर 8 और 3 की पावर 6, जो 6 है इसके फैक्टर करो, 2 3 6 होता है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 3 की पावर 4, दोनों पर 4 पावर आ जाएगी इंटू 2 की पावर 2। उसके बाद 3 पावर 4, 6 ऊपर है उसको ऊपर ले जाओ, तो 3 की पावर 6 -4, अब नीचे 2 की पावर 4 + 2 = 6 और 8 पावर को नीचे लेंगे +8, तो 3 raised to power 2 / 2 raised to power 14। तो ये सिंप्लीफाई होकर के इसका आंसर आपको ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है बे, ये कह रही sin 75 का मान क्या होगा। तो sin 75 को आप लिख लोगे sin 45 + 30, ऐसे लिख लेंगे ताकि जो 2 मान टेबल में आते हो उनका योग 75 हो जाए। रहता है बोल देंगे sin A + B के फॉर्मूले से sin 45 cos 30 + cos 45 और sin 30, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1/√2 होता है इसका मान, √3/2 और 1/√2 और 1/2, तो √3 + 1/√2, इतना छोड़ दोगे। और से पार्ट इसका -64 - -56 - 48 का सर्वांतर याद करना है। देखो काफी आसान आ गया है। तो सर्वांतर क्या होता है, किसी भी पद में से पहला पद माइनस कर दो, तो -56 इसको माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये। ओके, तो आंसर आएगा आपका 8 64 - 56। उसके बाद दे पार्ट कह रहा 0 0 और -3 - 4 के बीच की दूरी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। तो फॉर्मूला होता है इसका √(x1 - x2)² और √(y1 - y2)² x1 क्या है इसमें 0 और x2 -3, जब माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा ये 3² और 0 या 4 हो जाएगा, और आप इसको 9 + 16 ये 25 मिलेगा और वर्गमूल इसका 5 होता है। और इसका लास्ट वाला क्वेश्चन 6, tan A = 2/3 और tan B = 3/4
साइन ए माइनस बी का मान, इसका मान ज्ञात करना है तुम्हें। देखो टेन ए बराबर 2/3, ए यहां ले लो, ये 2/3, इसका मान क्या मिलेगा आपको, अंडर रूट 2 का वर्+3 का वर, यानी √13। इस तरह से टेन बी, बी यहां ले लो 3/4, तो ये बोले अंडर रूट 3 का वर्+4 का वर, यानी 16 9 25, यानी ये 5। निकालना साइन ए माइनस बी का मान, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे साइन ए का मान है, साइन का मान यहां से निकालेंगे, देखो लंब बटे कर्ण 2/√13, और कॉस बी का मान यहां से 4/5, कॉस ए का मान यहां से 3/√13, और साइन बी का मान यहां से निकालेंगे 3/5। बस इसका लघुत्तम लेकर के 5√13 और 8+3 9 9 8 17/5√13। चाहे तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, √13 से गुणा करके ऊपर नीचे √13 से, बस 7 3√13 बचे 13 5 65। इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन खत्म होता है और आपके 5 नंबर ये पूरे होते हैं। MM 50 marks। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं cos a बराबर 12/13, cos a का मान 12/13, तो 3 tan a माइनस 2 sin a बटे 5 sec a का मान याद करना है तुम्हें। तो cos a का मान दे रखा है, तो यहां ट्राइंगल बना लो, a ले लो, cos a होता है आधार बटे करण, तो आधार हो गया 12, करण हो गया 13, और लंब निकालोगे 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, क्या मिलेगा 169 - 144, इसका वर्गमूल ये 25, यानी 5। वही मान इसमें रख दो, टेन होता है लंब बटे आधार 5/12, और साइन ए होता है लंब बटे कर्ण 5/13, और सेक होता है कर्ण बटे आधार 13/12। ओके, अब इसको एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 5 यहां भी है, यहां भी, तो 5 कॉमन लेके खत्म कर दो, तो पर क्या मिलेगा 3/12 - 2/13 और 13/12। एलसीएम 12 × 13, 13 × 3 = 39, 12 × 2 = 24 और 13/12, 39 - 24 15, 12 × 13 ये उल्टा हो जाएगा 12/13, 12 से उत्तर मिलेगा 15/169, करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करो tan 22.5 डिग्री का मान 2 - √2 और 2+√2 और होल रूट के अंदर।
अब देखिए 10 साढ़े 22 का मान है, ये मान क्या होता है 45 का आधा होता है, और हमारे पास फॉर्मूला था है 10 2 थीटा का, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें 2 थीटा को 45 लिख दूं, यदि 2 थीटा बराबर 45, तो थीटा क्या हो जाएगा 45/2 यानी 22.5। रख दो मान यहां पर, जी 10 45, 2 tan 22.5 हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर 22.5, इसका मान होता है 1। इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है, तो 2x और 1 माइनस x स्क्वायर, त्रिकोण कर लो, इसको दर ले जाओ x² + 2x - 1 = 0। अब देखो इसके गुणनखंड तो होने के नहीं है, तो क्या करना है, ये d से होगा, द्विघातीय समीकरण में x का मान निकालते हैं इस फॉर्मूले से, -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है, क्या मिलेगा x, डी होगा 2 इसमें, तो -2 + -2² - 4ac, c का मान -1 है तो ये प्लस हो जाएगा / 2a। अब माइनस साइन हटा देंगे इसमें से, क्योंकि 22.5 का मान है तो मान ये धनात्मक ही होगा, ये तो -2 प्लस, या क्या मिलेगा 4 4 8, 8 को लिखेंगे हम 2√2 बटे 2, ओके 2 कॉमन लेंगे, -1 + √2, ओके 2 - 1, ये मिलता है √2 - 1। अगर प्रूव ये करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम √2 + 1 से, और उसकी जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, ये करेक्ट है, इसका मान √2 - 1, ओके एक्स की वैल्यू है, एक्स क्या सपोज किया था हमने 22.5, तो 10 22.5 डिग्री की वैल्यू √2 - 1। अगर इसकी √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 2 - 1 कोई फायदा नहीं होगा, तो ये आप ठीक है करेक्ट, मान इसका यही रहेगा √2 - 1, इसका मान यही छोड़ दोगे, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी समांतर श्रेणी में सिद्ध करो 1/BC, 1/CA, 1/AB समांतर श्रेणी में होंगे, ABC समांतर श्रेणी में है, ओके तो सिद्ध करना है 1/AB, 1/BC, 1/CA समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे करते इसको समांतर श्रेणी में लेकर के इसको समांतर श्रेणी में हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है, तो मान लो, माना 1/AB, 1/BC, 1/CA समांतर श्रेणी में हैं, इसका अर्थ क्या होगा, अगर समांतर श्रेणी को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें,
तो रिजल्टिंग नंबर भी आपको समांतर श्रेणी में ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे देखो ये है 2, 4, 6, इसमें एक ही के अंदर है, इसको मैं 10 से गुणा कर दूं तो 20, 40, 60, देखो ये तो एबी में है कि नहीं। अगर मैं उल्टा कर दूं को एबीसी से, दिस इंप्लाइज एबीसी इनटू 1/एबी, तो एबीसी अपॉन बीसी और एबीसी अपॉन सीए भी समांतर श्रेणी में होंगे। अर्थात काट दो इसको, देखो इससे तो सी ए बी भी समांतर श्रेणी में होंगे, श्रेणी में होंगे। ओके, इसमें दे रखा है बी सी सी ए बी, बी सी सी ए और ए बी, और उसका पैटर्न भी सेम ही होगा बी सी सी ए ए बी, और जो मल्टीप्लाई करेंगे बी सी सी ए और ये कैंसिल होने के बाद में तो इनका ऑर्डर बदल जाएगा, ए बी सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, मतलब पैटर्न ये चलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक नंबर का है, एक्स वाई का प्रतिलोमानुपाती है जबकि एक्स बराबर एक वाई बराबर तीन। एक्स वाई का प्रतिलोमानुपाती, इसका मतलब x प्रोपोर्शनल टू 1/y जबकि x बराबर 1 y बराबर 3। ठीक है, x का मान ज्ञात करो जबकि y बराबर 5, x का मान तुम्हें ज्ञात करना है और y बराबर दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है y बराबर 5। तो इसमें क्या करेंगे, ये साइन हटाने के लिए कर देंगे x इज इक्वल टू k अपॉन y, ध्यान देना आप, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमेशा ये कांस्टेंट लग जाएगा और ये हट जाएगा, बराबर के साथ आ जाता है यहाँ पर। अब इसमें x के मान यहां से रखो, x y के मान जो दे रखे हैं दोनों 1 और k अपॉन 3, तो k मिल गया आपको 3 और 3 मान रख देंगे यहां पर, तो संबंध हो गया इनमें x इज इक्वल टू 3 अपॉन y। अब यहां से मान रखेंगे हम x का मान तो निकालना ही है और y का मान 5, x मिल गया 3 अपॉन 5। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, ये आइडेंटिटी है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, क्या करोगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन को लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा लिख लो कॉमन, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये 2 मार्क्स का है, यदि a प्रोपोर्शनल टू b अनुक्रमानुपाती है, b अनुक्रमानुपाती है c, तो सिद्ध करना है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रूट ए बी रूट बी सी प्लस रूट सी ए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो शुरुआत यहीं से करते हैं हम। ए प्रोपोर्शनल टू बी है, अगर मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं इसमें ए से तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए बी हो गया कि नहीं। देखो इसी तरीके से बी प्रोपोर्शनल क्या है, सी के। बी प्रोपोर्शनल है सी, अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया इसको बी से तो बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू बी सी। ओके, तो बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा बी स्क्वायर बी सी के। इस तरह से देखो सी प्रोपोर्शनल बी है, बी प्रोपोर्शनल क्या है, ए के। सी प्रोपोर्शनल बी, बी प्रोपोर्शनल है ए, तो सी प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, और बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो इसमें सी से तो सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा सी ए के। ओके, अब इन तीनों में देखो ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या है, ए बी, ए किसके हो जाएगा यहां पर, ए प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए बी, ऐसे यहां पर बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट बी सी और सी प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट सी ए। यहां पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक थी, यहां ए प्लस बी प्लस सी ए, ए प्लस बी प्रोपोर्शनल होना चाहिए अंडर रूट ए बी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट सी ए। अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे हम, देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, एक दो फर्स्ट सेकेंड व थर्ड से ए प्लस बी प्लस सी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ए बी अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट सी ए। ओके, ये मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाइन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, सिद्ध करो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन ए कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस बी। ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो टू साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर बी, 2 साइन ए कॉस ए और 2 साइन बी कॉस बी। 2 साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ए और ये 1 माइनस कॉस 2 बी और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 ए और ये साइन 2 बी। ऊपर सॉल्व करके 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में आएगा cos 2b माइनस cos 2a और sin 2a माइनस sin 2b। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला,
वो क्या होता है फॉर्मूला, 2 sin c + d/2, 2b + 2a/2 (sin d-c) यानी 2a - 2b। ऐसे नहीं चलेगा, sin 2a - sin 2b का फॉर्मूला, पहले cos आएगा, 2cos 2a + 2b/2 (sin 2a - 2b/2) और ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 और साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, 10 ये मिल जाएगा, ठीक है, 2 कॉमन लेकर के 2 से 2 कैंसिल, तो 2 10a + b मिलेगा आंसर, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मेन सिचुएशन क्वेश्चन है, एक लोहे का टैंक 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 5 मीटर गहरा है, जो ऊपर से खुला है, तो रुपये 3.5 प्रति मीटर के हिसाब से लोहे के चादर का मूल्य ज्ञात करो जो 4 मीटर चौड़ा हो। लोहे का चादर जो 4 मीटर चौड़ा है और जिससे बनना है टैंक, हाँ जी, लोहे का टैंक बनाना है 14, लंबाई 14 मीटर, चौड़ाई इसकी 9.5 और ये ऊंचाई 6, मुंह खुला हुआ है इसका, यहां से मुंह खुला हुआ है और ये बनाना है ऐसे, यहां लगेगा चादर, यहां लगेगी और यहां लगेगी और यहां लगेगी, ठीक है, यहां नहीं लगनी, ये 14, 9.5 ऊंचाई 6, तो चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, ये तो चारों दीवारों पाएगा इसके ना, उसका फॉर्मूला 2h (l + b) और प्लस नीचे आधार में ही आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई l (d), तो मान रख देते हैं 2 × 6 और 14 + 9.5 और 14 × 9.5 12, ये 5, 9 × 4 = 13, 14 × 5 = 70, 14 × 9 = 126, 26 + 7 = 133, 11.3 और यहां गुणा करो 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36, 6 = 42, 12 × 3 = 24 और 4 133, 3 × 2 = 5, 8 × 3 = 11, 2 × 3 इतने मीटर स्क्वायर चाहिए मुझे बक्से का क्षेत्रफल, इतनी चादर चाहिए। ये कह रहे चादर 4 मीटर चौड़ी है, तो चादर की लंबाई निकालेंगे पहले, तो है ना, चादर की लंबाई, लंबाई मान लेते हैं ना x, चौड़ाई कितनी है इसकी 4 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा x × 4, चादर का किसके इक्वल होगा इसके 415, चादर की लंबाई मिल जाएगी 415/4 मीटर। अब इसकी जो कॉस्ट है वो है 3.5 रुपए प्रति मीटर की हिसाब से, है ना, जो खर्चा आएगा 3.5 रुपए में आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ऐसा कर लो 5 × 2 = 10, 30, इसको 7 से गुणा करके 8 से भाग कर लोगे, 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 10, 7 × 4 = 28, 8 × 3 = 24, 5 × 0 8 × 6 = 48, 2 × 5 = 8 × 3 = 24, है ना, लगभग इतना, इतने रुपए 363 रुपए के आसपास खर्चा आएगा इस बक्से को बनाने का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
सिद्ध करना है साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 बराबर 3/16। साइन 60 का मान इसमें आपको मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड साइन 60 का रूट 3/2 गुणा साइन 20, साइन 40 और 80, इसमें ऐसा करेंगे दो से गुणा करेंगे, दो से भाग, 2 साइन 40 और साइन 80। साइन 20 लगेगा फॉर्मूला, 2 साइन है साइन बी, फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, 80 में से 40 गया 20, 40 बचा, माइनस कॉस ए प्लस बी, 40 और 20, 80 और 40 120, ये मिला। साइन 20 तो कॉस 40, कॉस 120 का मान होता है माइनस 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2, यहाँ पर कॉस 120 का मान लिख दोगे, कॉस 180 माइनस 60 बराबर माइनस कॉस 60, तो माइनस 1/2, इसको लघुत्तम लेकर के तो मिल जाएगा 2 नीचे, साइन 20 से गुणा कर दो तो 2 कॉस 40 और साइन 20 प्लस साइन 20, ये मिल जाएगा रूट 3/8। फिर दोबारा खोलेंगे इसको, 2 साइन कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, 40 और 20 60, माइनस साइन ए माइनस बी, 40 में से 20 गए 20 प्लस साइन 20, तो ये का मान है यहां पर 40 और बी का मान 20, तो इससे कैंसिल, रूट 3/8 इंटू रूट 3/2, तो 3/16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन है, दो बटे पांच एक्स, 3/5 वाई बराबर 1 का ग्राफ खींचो और रेखा के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो, का ग्राफ खींचो और बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो ग्राफ खींचना बड़ा आसान है इसका, ये ग्राफ पेपर है, तुम्हें क्या करना है इसमें, एक बार x का मान रख लो 0, x का मान रखो 0, ये 0 हो गया तो 3/5 y बराबर 1, तो y का मान हमें क्या मिलेगा 5/3। इस तरह से एक बार रखो y का मान 0, x का मान क्या मिलेगा 5/2, और ये मान यहां ट्रेस कर लेंगे, x का मान 5/2 और y का मान 0, सपोज 5/2 यहां मिलेगा और y का मान 0, ऐसे यहां मिलेगा वाई का मान एक्स का मान 0, तो 0 5/3। और इन दो बंदों को मिला देंगे ऐसे ही, ये लाइन जाएगी, ओके, और अक्षों में और इसके बीच में जो क्षेत्रफल है वो ये बनता है, और क्षेत्रफल होता है आपके पास में 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 5/2 गुणा 5/3, ये मिलेगा 25/2×4×12 वर्ग इकाई, इस तरह मिलेगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो सवाल समाप्त होता है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा ये दिया हुआ है तो सिद्ध करो cos थीटा प्लस साइन थीटा रूट टू cos थीटा, ये सिद्ध करना है तुम्हें। ये ज्ञात है और ये सिद्ध करना है, ठीक है, तो इसको लेके सिद्ध करेंगे हम। तो यहां शुरुआत कर लेते हैं, चलो cos माइनस साइन रूट टू साइन थीटा है, cos थीटा क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ, साइन थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा, साइन थीटा कॉमन ले लो, जगह रूट टू प्लस वन। अगले स्टेप में cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसमें ऐसा करते हैं, अब रूट टू प्लस वन है ना, वो साइड रूट टू माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी और इधर भी, रूट टू माइनस वन इसकी मल्टीप्लाई करो, उसमें रूट टू cos थीटा और माइनस cos थीटा और रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन, लगेगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि टू माइनस वन, तो रूट टू cos थीटा हो जाएगा, cos को उधर ले जाओ cos थीटा और यहां मिलेगा प्लस साइन थीटा, ये प्रूव हो गया। तो cos प्लस साइन इज इक्वल टू रूट टू cos थीटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन क्वेश्चन है, चार नंबर का है, किसी समांतर श्रेणी का एम अपर यानी टी एम एक बटे एम और उसका एन अपर एक बटे एम है, तो समांतर श्रेणी के एम एन पदों का योग ज्ञात करो, यानी एस एम एन का मान ज्ञात करो। ठीक है, दो पद दे रखे हैं, एमा पद और एनमा पद, और एम एन पदों का योग ज्ञात करना है तुम्हें। तो किसी समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करने क्या चाहिए मुझे, पहला पद चाहिए और सर्वांतर चाहिए डी चाहिए और पदों की संख्या एन चाहिए। ठीक है, एमा पद है एक बटे एन, तो ले लो माना प्रथम पद बराबर ए, सर्वांतर बराबर डी, तो एम पद है एक बटे एन, क्या बनेगा ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर वन अपॉन एन, और एन पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू वन अपॉन एम, तो क्या करेंगे उसको सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, तो करो माइनस, यहां माइनस कर देंगे तो ए प्लस हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया, एम माइनस एन इंटू डी वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन, लघुत्तम ले लो उसका एम एन, यहां मिलेगा एम माइनस एन, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू होगी वन अपॉन एम एन। अब डी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो ए प्लस एम माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल टू वन अपॉन एन, एम बटे एम एन वन अपॉन एन हो जाएगा, तो ए की वैल्यू भी वन अपॉन एम एन आ जाती है। अब निकालना है आपको एम एन पदों का योगफल, फॉर्मूला है एम एन बटे दो, तो टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, एम एन तो एम एन ही रहना है ना, ए की वैल्यू पुट कर देनी है, ए है वन अपॉन एम एन, एम एन एम एन रहेगा और डी की वैल्यू भी वन अपॉन एम एन, एम एन बटे दो
लघुत्तम एम एन हो जाएगा यहां, टू प्लस एम एन माइनस वन, आंसर हाफ एम एन प्लस वन, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इस तरह यह चार नंबर के क्वेश्चंस यहां तक फिनिश होते हैं। अब तीन क्वेश्चन बचे हैं जो तीनों नंबर छह नंबर की प्रॉब्लम्स हैं, ये शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित सारणी से बहुलक और माध्यिका ज्ञात करो। बहुलक और माध्यिका, इसमें दे रहे अंक, ये सारणी दे रखी है अंक, यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति इसके बोलते हैं, अंक होता है, क्लास इंटरवल है 0 से 9 और 10 से 19 और 20 से 29 और 30 से 39 और 40 से 49 और 50 से 59 और 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89 और 90 से 99। आवृत्ति इनकी 1 2 3 4 5 10, 18, 12, 9, 5, 2, 9, 5, 2। एक तो बात यहां ध्यान देने वाली है कि ये क्लास इंटरवल में ब्रेक हो रहा है यहां पर, ठीक है, तो इसमें क्या करना है तुम्हें, इन दोनों में जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, उसको 2 से भाग करो, कितना मिला 0.5, तो 0.5 तुम्हें लोअर माइनस करना, अपर में प्लस करना है, तो इंटरवल बनेंगे ऐसे बनेंगे तुम्हारा 0 से लेकर 9.5, यहां माइनस करोगे तो 9.5 से 19.5, यहां माइनस करना है तो 9.5 से 29.5 बन जाएगा, या हम करेंगे माइनस तो 29.5 से 39.5, या मिलेगा 39.5 से 49.5, या 49.5 से 59.5, इस तरह से ये मिलता चला जाएगा, ठीक है, और इसका 59.5 से 79.5, तो ये आवृत्ति यहां बताओगे इसकी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, तो एक की एक होगी, 2, 1, 3, 5, 3, 8, 8, 6, 14, 10, 14, 24, 18, +12, +9, +5, +2, 70, इस तरीके से। अब पहले निकालनी मुझे माध्यिका, माध्यिका का सूत्र होता है L+N/2-C/F(H). एन क्या है इसमें, इसका टोटल ये 70 आएगा, देखो 5, 2, 7, 9, 7, 16, 18, 18 और 16, 28 और 18, 36, 46, 56, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70 इसका टोटल होगा। तो जो माध्यिका होगी तुम्हारे पास 70/2,
माध्यिका होगी 70/2 पद का मान। तो 70/2 यानी 35वां पद कौन सा होगा, 35वां पद मिलेगा आपको यहां पर, यहां इस लाइन मिलेगा, ठीक है, इधर ये 35वां पद यहां मिलेगा। 2, 3, 5, 3, 8, 6, 14, 10, 24 और 18, 42 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप ये, तो ये लेंगे हम ये वाला, ठीक है ना, जो कंटिन्यूस सीरीज है ना ये वाला। अब इसमें जो एल का मान होगा वो ये होगा और जो एफ का मान होगा वो ये होगा, ये एफ का मान, और सी का मान यहां से मिलेगा, ठीक है, ये सी होगा। और ये मान आपको यहां रखना है और कुछ नहीं करना, आंसर है 49.5 एन बाई टू 70 का आधा 35 और माइनस सी 14 माइनस कर देंगे, एफ का मान 18 और एच का मतलब ये इंटरवल 9.5 माइनस 0, अब इसमें से माइनस करो देखो ये 10 मिलेगा, या यहां माइनस कर लो देखो इंटू 10 और सॉल्व करके आंसर 49.5 प्लस 35 माइनस 14 कितना मिलेगा 21 बटे 18 गुना 10, 3 7 21 3 6 18 49.5 प्लस 70 और काट 2 से 2 3 6 2 5 10 35/3, 3 + 3, 3 = 3, 3 + 3, 2 0, 3 6 18 बस जोड़ दो इसको 6 5 11 9 10 11 4 5 6 61.1 ये मिलेगी इसकी माध्यिका। और बहुलक के लिए क्या करते हैं, मॉड के लिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है एल प्लस f1 - f0 2f1 - f0 - f2 × h। F1 क्या है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है जिस वर्गंतराल की, वही होता है बहुलक वर्गंतराल। तो देखो वो भी यही है 18 ही है, तो मेरे पास वर्गंतराल क्लास में वही मिला जो पहले वाले था, यही है 49.5 एल की वैल्यू होगी और F1 यही होगा, ये F1 होगा 18 और F0 से पहला वाला, F1 के पहले F0 आता है ना देखो, ये F0 और F2 इसके बाद 10 2 × 18 - 10 - 12 और H का मान 10। अब इसको सॉल्व करके आंसर मिलेगा 18 - 10 = 8 बटा दूं 36, 36 में से 22 गया मिलेगा 14 गुणा 10 तो 49.5 प्लस 40/7 49.5 प्लस 7 × 28 7 × 5 = 35 बचेगा 5 × 0 = 7 49 तो 7 × 5 = 12 9 × 5 = 14 15 = 5 55.2 ओके ये मिलेगा आपको बहुलक। केवल फॉर्मूला याद करना है, बाकी कुछ नहीं है। तीसरे क्वेश्चन नंबर 15 होता है, 6 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये करते हैं।
है, श्रेणी का योग ज्ञात करो, सात एन पदों का योग ज्ञात करो। इसके एन पदों का योग ज्ञात करना है। अब देखो इस श्रेणी, मुझे कोशी श्रेणी नजर नहीं आ रही है, ना तो ये एपी है ना जीपी है, ठीक है। इसे करने के लिए आपने कुछ ट्रिक लगाओगे इसके अंदर। ट्रिक क्या है, इसको पहले सेवन से डिवाइड कर लो, यानी सेवन कॉमन लो इसमें, वन अरे दो एन पदों तक, एन पदों तक, ठीक है। अब भी ये श्रेणी नहीं है, देखो कोई श्रेणी नहीं है, वन प्लस इलेवन प्लस वन वन वन, ना एपी है ना जीपी है। अब क्या करूं इसमें, ऐसा करता हूं उसको नाइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नाइन से डिवाइड, तो बाहर डिवाइड अंदर मल्टीप्लाई, एन पदों तक। देखिए अब क्या करें, अब भी श्रेणी नहीं है ये देखो, लेकिन अब बात एक काम करेंगे, नाइन को लिखेंगे टेन माइनस वन, और नाइन टेन को लिखेंगे टेन स्क्वायर, यानी सौ माइनस वन, और ये क्या होता है एक हजार माइनस वन, यानी कि टेन क्यूब माइनस वन, ये दस हजार में से एक माइनस करेंगे तब ये मिलेगा, तो टेन की पावर फोर माइनस वन। इस तरीके से जो है ना टर्म है वो ये आएगी टेन की पावर एन माइनस वन। अब बनेगी श्रेणी देखो, ये पहली श्रेणी क्या बनेगी, टेन टेन स्क्वायर टेन क्यूब टेन की पावर फोर अप टू टेन की पावर एन माइनस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन एन टाइम्स, है ना, एन टर्म, ये कह दोगे एन पद है ये, सात बटे नौ। अब देखो अब जीपी है, जीपी का ये होता है ए यानी कि दस, आर की पावर एन यानी दस की पावर एन, आर क्या है इसमें दस, देखो कॉमन रेशो इसको इससे भाग करो आर मिलेगा दस, तो दस की घात एन माइनस वन बटे आर माइनस वन यानी दस माइनस वन, ओके। और इसको वन को आप एन बार जोड़ोगे तो एन ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह फाइनल आंसर इसका ये मिलेगा आपको, सात बटे नौ और अंदर दस बटे नौ, दस की घात एन माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। यहां भी छोड़ सकते हो इसको, ये क्वेश्चन नंबर 16 था छह नंबर का, और उसके बाद आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। एक आयताकार भनाव है, उसका संपूर्ण व्यास 1332, यदि इसकी कोरें 4, 5, 6 के अनुपात में हो तो आयतन ज्ञात करो, ठीक है। बड़ा आसान सवाल है, घनाभ का संपूर्ण प्रेस्ट 1332 वर्ग सेंटीमीटर और कोरों का अनुपात 4, 5, 6, कह रहे हैं घनाप का आयतन ज्ञात करो। तो मान लेते हैं, माना घनाप की लंबाई बराबर 4x
चौड़ाई को 5x ले लेते हैं और ऊंचाई को 6x। अब समूह प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ट्वाइस एल बी डी एच और एच एल बराबर 1332। इसमें मान रखो इनके लंबाई गुणा चौड़ाई 4 × 5, 4×5 = 20, x की घात 2। देखो x x में गुणा होगी तो x की घात 2 आएगा। बी एच 5 × 6, 5×6 = 30, x की घात 2। एच एल इसी गुणा इसमें 6×6 = 24, x की घात 2 बराबर 1332। अब इन्हें जोड़ो, 24 यानी 4 और 3 × 2 = 5 × 2 = 7, ठीक है, गुणा 2 x की घात 2 बराबर 1332। तो से काट दो इसको, 2 × 12 = 12, 1 × 3 = 12 = 12 और 2 × 12 = 12। x स्क्वायर क्या मिलेगा, 6 × 6 = 6/74। 9 × 18 = 9, 9 × 36 = 9, 7 × 3 = 3, है ना, 9 बार। x मिलेगा √9 = 3, यानी x का मान 3 मिल गया हमको, और x का मान 3 रखेंगे इसके अंदर तो लंबाई मिल जाएगी, तो लंबाई मिलेगी 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 × 3 = 18 सेंटीमीटर। ओके, किसी ऑर्डर में ले लो, कोई दिक्कत नहीं इनको। आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 12 × 15 × 18, है ना, 12×5 = 60, 12×12 = 6, यानी 180 × 18 = 324 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस तरीके से ये आज हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। आपके लिए समय और ज्यादा मिलेगा क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए हमने थोड़ा जल्दबाजी में किया है पेपर, लेकिन आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आप स्वयं सॉल्व करें इनको आराम से, ठीक है। तो आने वाले इसमें वीडियो में कुछ समय बाद एक पेपर और हम सॉल्व करके डालेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी ये करेंगे।